मैं बाबा रामदेव जी को सालों से जानता हूं, जब वो साइकिल पर घूमते थे तब से जानता हूं। और एक छोटी सी पुड़िया में से काजू का टुकड़ा देते थे, वो भी याद है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक व्यक्ति अहर्निश एक निश्च अखंड अविरत वन लाइफ वन मिशन, इस तरह चरैवेति 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 इस देश में लगातार भ्रमण करता रहे। प्रतिदिन डेढ़ दो ढाई लाख लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करते रहे। अगर बाबा रामदेव जी की ये मूवमेंट दुनिया के किसी और देश में हुई होती तो न जाने कितनी यूनिवर्सिटियों ने उस पर पीएचडी की होती। मैं ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को कहना चाहता हूं, आपने शायद अपने सारे रिकॉर्ड प्रस्थापित किए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने इस रिकॉर्ड की तरफ ध्यान दिया है कि अपने इतने छोटे से कालखंड में एक व्यक्ति ने टीवी के माध्यम से नहीं, फोटो के माध्यम से नहीं, रेडियो के माध्यम से नहीं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं, रूबरू में इतने करोड़ लोगों के साथ आंख में आंख मिला करके बात की होगी, ऐसा शायद रिकॉर्ड दुनिया में कहीं नहीं होगा, दुनिया में कहीं नहीं। यह हमारा दुर्भाग्य है मित्रों कि हम लोग हमारे देश के सामर्थ्य की चर्चा कभी करते नहीं है। स्वाभिमान खो चुके हैं, आत्मगौरव के साथ दुनिया में आंख मिलाकर के हमारे सामर्थ्य का परिचय कराने का आदत छूट गई है गुलामी के कालखंड के कारण। और तब जाकर के उस चेतना को विश्व के सामने प्रस्तुत करना हर भारतवासी का सपना हो, बहुत स्वाभाविक है। और मैं भी एक हिंदुस्तान के छोटे बच्चे के नाते उन महापुरुषों के शब्दों पर भरोसा करता हूं।